हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशंस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले दिनों से, दैट इज़ डोसेज फॉर्म। हमने डिस्कशन कर ली है, जो आप मेरी पहले वाले वीडियोस में देख सकते हो कि डोसेज फॉर्म क्या होते हैं। इसके बाद उसकी थ्री टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म आप मेरी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हो, मेरे चैनल्स पे हैं। जो अब जो नेक्स्ट है, आज जो हम कर मैं आपको समझाने जा रही हूँ, दैट इज़ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मीन्स जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में होती है, इसे मेनली हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, स्किन पे हम अप्लाई करते हैं। इनमें जो प्रिपरेशंस आ जाती हैं, दैट इज़ क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट्स एंड जेलीज। अब जो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्रीम्स। क्रीम्स क्या हैं? क्रीम्स को हम बोल सकते हैं, ये विस्कस होती हैं, सेमी सॉलिड इमल्शंस। ये इमल्शंस फॉर्म में होती हैं, जिसे हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। अब जो ये क्रीम्स हैं, ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑयली क्रीम, एक होती है एक्वस क्रीम। ऑयली जो क्रीम होती है, वो होती है वाटर इन ऑयल इमल्शन, और जो एक्वस क्रीम होती है, दैट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब जो हम एक्वस क्रीम में जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, उनकी एग्जांपल है अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक, वैक्सेस एंड पॉलीसॉर्बेट्स। और जो ऑयली क्रीम में हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, उनकी एग्जांपल है वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स एंड कैल्शियम सोप्स। अब क्रीम्स में हम एक सूटेबल प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं, ताकि कोई बैक्टीरिया या फंगाई की ग्रोथ ना हो, उस ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म यूज़ करना होता है, इसीलिए हम उसमें एक सूटेबल प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं। अब क्रीम्स में क्या है? क्रीम्स हैं विस्कस प्रेपरेशंस जो हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। इसमें दो टाइप्स की हैं, एक्वस क्रीम्स एंड ऑयली क्रीम्स। नेक्स्ट जो हमारी प्रेपरेशन है, जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आती है, दैट इज़ पेस्ट्स। पेस्ट्स भी क्या हैं? पेस्ट क्या होते हैं? ये भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है, इसे भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। और ये जो पेस्ट होते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो पाउडर मेडिगमेंट है, वो ज़्यादा प्रपोर्शन में होता है। इनमें जो हम पाउडर डालते हैं पेस्ट में, उनमें है एग्जाम्पल आती है जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च। अब जो पेस्ट है, वो मेनली हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या सूदिंग एक्शन ड्रेसिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या सूदिंग ड्रेसिंग्स के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रेपरेशन है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, दैट इज़ जेलीज। जेलीज क्या हैं? ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूजेंट फॉर्म में होती हैं। ये नॉन ग्रीसी प्रेपरेशंस होती हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में। ये मेनली हम जैसे लुब्रिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेक्टल में थर्मामीटर इंसर्ट करना हो तो ऐसे लुब्रिकेटिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, कैथार्टस की लुब्रिकेटिंग में यूज़ करेंगे, या जो हमारे ग्लव्स हैं उनकी लुब्रिकेटिंग एजेंट्स में हम जेलीज को यूज़ करते हैं। अब इनकी प्रेपरेशन ऑफ जेलीज में कौन कौन से जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे स्टार्च, जेलेटिन, ट्राइगेकेंथ, सोडियम एल्जिनेट, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम जेलीज की प्रेपरेशंस में यूज़ करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, दैट इज़ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या है? ऑइंटमेंट्स भी जो हमारी सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है, जिसे हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें जो मेडिगमेंट है, या तो हम उसे डिसॉल्व करते हैं, या सस्पेंशन फॉर्म में होती है, या इमल्शन फॉर्म में हम ऑइंटमेंट बेस में उसे मिक्स करते हैं। इसमें भी सूटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। अब जो ऑइंटमेंट्स है, ये किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इमोलियंट एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इमोलियंट मींस जब हम इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट सूदनिंग से इफेक्ट देती हैं। अब ऑइंटमेंट्स एक और टाइप्स में आती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू आई। अब जो ऑप्थेल्मिक वर्ड रिलेटेड टू आई है, इट मीन्स जो ऑइंटमेंट्स हम अपनी आई के ऊपर अप्लाई करते हैं, इनमें हम
जो ऑप्थेलमिक ऑइंटमेंट्स होती हैं इनमें हम येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज़ करते हैं, ना कि वाइट सॉफ्ट पैराफिन, क्योंकि जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन होती है उसमें कुछ अमाउंट ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंट होता है जो, और वो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हमारी आइज़ को इरिटेशन कर सकता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग वाइट सॉफ्ट पैराफिन वी यूज येलो सॉफ्ट पैराफिन इन द प्रेपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट्स। अब ऑइंटमेंट्स में कौन कौन से बेसिस हम यूज़ करते हैं? ऑइंटमेंट्स में बेसिकली चार टाइप्स के बेसिस हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ हेलोजीनियस बेसिस, सेकेंड इज़ अब्सॉर्प्शन बेसिस, थर्ड इज़ एमल्शन बेसिस, और फोर्थ लास्ट वन बेस जो हम यूज़ करते हैं इसमें वाटर सोलबल बेसिस, जिसे हम ग्रीसलेस बेस भी बोलते हैं। अब जो ऑलियोजीनियस बेस है इनमें एग्जांपल है वाटर सोलबल हाइड्रोकार्बन्स, एनिमल फैट, वैक्स। अब्सॉर्प्शन बेस फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक है इनमें नॉन इमल्सिफाइड, एक है वाटर एंड ऑयल इमल्शन। अब जो नॉन इमल्सिफाइड है उसमें एग्जांपल है वूल फैट, और वाटर एंड ऑयल इमल्शन में जो एग्जांपल है दैट इज़ हाइड्रस वूल फैट। इमल्शन बेस जो हम यूज़ करते हैं उनमें हम दोनों टाइप की इमल्शन यूज़ करते हैं, ऑयल एंड वाटर इमल्शन भी यूज़ करते हैं एंड वाटर एंड ऑयल इमल्शन भी यूज़ करते हैं। बट जो वाटर एंड ऑयल एंड वाटर इमल्शन है वो हम ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं, क्योंकि वाटर उसमें कॉन्टीन्यूस फेज में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारे स्किन से अगर कपड़े पे ऑइंटमेंट लग जाती है तो रिमूव करना ईजी होता है। और जो वाटर सॉल्युबल बेसिस उनमें एग्जाम्पल है कार्बो वैक्सेस। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम ग्रीसलेस बेसिस भी बोलते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट है कि ऑइंटमेंट बेसिस जो हम चूज़ करते हैं उनकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये इनर्ट होनी चाहिए, मींस मेडिकामेंट के साथ कोई भी अपना एक्शन शो ना करें। स्मूथ होने चाहिए, कोई इनमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, दे शुड बी स्टेबल। ये फिजिकली भी स्टेबल होने चाहिए और केमिकली भी, और ये स्किन पे अच्छे से स्प्रेड होने चाहिए। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑइंटमेंट बेसिस की। अब हमने जो पूरा डिस्कशन स्टार्टिंग से लेके अब तक जो आप मेरी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हो, हमने डिस्कस किया है कि ड्रग क्या होती है, फिर ड्रग को हमें डोसेज फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ड्रग की अच्छे से अब्सॉर्प्शन हो पाए। वेरियस फैक्टर्स क्यों हम ड्रग को डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की हमने कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में कौन सी ड्रग्स हैं, सॉलिड में कौन सी हैं, सेमी सॉलिड में कौन सी हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपके चैनल के यूट्यूब के ऊपर विजिबल हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।